हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। ये मेरा सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2 है। मैंने इसको अपडेट किया है एंड्रॉयड 7.1, मतलब कस्टम रोम पे। इसके बाद उसके सेटिंग्स पे क्या क्या चेंज मिलता है देखो। सबसे पहले आता है लॉक स्क्रीन, ये सजेशन आता है जो बैटरी सेविंग्स वगैरह के लिए। उसके बाद उनको नॉर्मली वाईफाई की ऑप्शन आता है, ब्लूटूथ, सिम कार्ड, डाटा यूसेज और मोर दिया है। मोर पे भी आपको एरोप्लेन मोड, टेदरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट, VPN, एमरजेंसी ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट वगैरह मिलेगा आपको। और दूसरी बात है, डिस्प्ले बोल के एक ऑप्शन मिलता है और नोटिफिकेशन, और इधर साउंड भी है, साउंड और ऐप्स है, स्टोरेज है, बैटरी और मेमोरी, यूजर्स, जेस्चर, बटन्स, मतलब जो भी है बटन, ये बैक वाला, कीपैड वाला, और इधर भी बटन लेके आ सकते हैं। मतलब अगर आपका फिजिकल की कंप्लेंट हुआ तो आपको इधर वर्चुअल की भी ऐड कर सकते हैं। लोकेशन, उसके बाद सिक्योरिटी, अकाउंट्स, प्राइवेसी, स्टेटस बार, सिस्टम प्रोफाइल्स, गूगल, लैंग्वेज एंड इनपुट और बैकअप एंड रीसेट, डेट एंड टाइम, एक्सेसिबिलिटी, प्रिंटिंग, डेवलपर ऑप्शन और अबाउट फ़ोन। इतना सारा फंक्शन आपको मिल जाएगा ये, मतलब लेनेज ओएस पे आने के बाद। ओके, दूसरी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात क्या है, अपडेट करने के बाद थोड़ा अगर ज़्यादा यूज़ किया तो फ़ोन एक बार रिस्टार्ट आएगा। रिस्टार्ट होने के लिए आपको 1 मिनट के आसपास लेता है, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, मैं इधर सिर्फ वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। मतलब सिम डाल के अभी कॉल किया नहीं है, मतलब उसका बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वाईफाई से अच्छा से काम कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसका दूसरा भी सेटिंग्स का वीडियो मैं लेके आऊँगा। उस वीडियो में मिलने तक जय हिंद, बाय।